भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तर्ज पर मंडी जिला प्रशासन ने मेरी लाडली की मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम के तहत अब जिला में बेटियों के जन्म को भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। खुद जिले के प्रशासनिक अधिकारी ऐसे समारोहों में शिरकत करके इस मुहिम को और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में बल उपमंडल के कोठी गहरी गांव में धर्मी देवी ने अपनी दोहती काव्य के पहले जन्मदिन को मेरी लाडली मुहिम के तहत मनाया। जन्मदिन समारोह में डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। उनके साथ एसपी मंडी गुरुदेव शर्मा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। महिला मंडल के सदस्यों ने बेटी के जन्मोत्सव पर बधाई गीत गाए और ये संदेश देने का प्रयास किया कि बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। जन्मदिन का उत्सव ठीक उसी प्रकार से मनाया गया जिस प्रकार से बेटों का जन्मदिन मनाया जाता है। समारोह को संबोधित करते हुए डीसी मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि हमारी लाडली मुहिम के तहत जिले के प्रशासनिक अधिकारी खुद ऐसे समारोह में शिरकत कर रहे हैं ताकि इस मुहिम को और आगे ले जाया जा सके। ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि इस मुहिम से जिला भर में बेटियों के प्रति सोच में काफी ज्यादा परिवर्तन आया है। अस्पतालों में भी रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से बेटियों के जन्म पर बधाई संदेश भेजे जाते हैं। उन्होंने लोगों से इस मुहिम को और आगे ले जाने का आह्वान भी किया और परिवार को ऐसे आयोजन के लिए बधाई भी दी। समारोह के दौरान एडीएम मंडी राजीव कुमार, डीएसपी हेडक्वार्टर हितेश लखनपाल, डीएसपी पधर मदन कांत शर्मा, सीएमओ मंडी डॉक्टर जीवा अनंत चौहान, रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उपनिदेशिका सुषी मंजुला सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जो केंद्र सरकार की योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसका एक रूप जो है जिला मंडी में एक इनिशिएटिव के माध्यम से दो तीन साल से चला हुआ है जिसको मेरी लाडली का नाम दिया है। और इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि बेटी और बेटों में कोई फर्क ना करें, सभी को जो है एक समानता से हम देखें। और इसलिए कई जगह पर ये महसूस हो रहा था कि बेटियों का जन्म जो है वो उस तरह से मनाया नहीं जा रहा था, इसलिए हम हमारी तरफ से ये एक इनिशिएटिव है कि जिसमें कि जब बेटियों का जन्म होता है और उसका सेलिब्रेशन होता है उसमें हम जरूर पार्टिसिपेट करें। ये सभी एक एक तरीके से हम दिखा रहे हैं, समाज की तरफ से हम दिखा रहे हैं कि बेटियां जो है हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है इस समाज के लिए। और बेटियों का जब ये आयोजन होता है उसमें खास तौर पर हम भाग लेने की कोशिश करते हैं सब लोग मिलजुल कर। और आप सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, महिला मंडल जो है यहाँ पर आए हैं, सभी लोग जो इसमें जुड़े हुए हैं, सभी लोग जो है एक तरीके से कह रहे हैं कि बेटियों का जन्म जो है हम इस पे सेलिब्रेट करते हैं और हमारे समाज के लिए ये बहुत जरूरी है और बहुत खुशी की बात भी है कि बेटी जो है हमारे घर में आई है। और जो परिवार के साथ जो है सभी लोग मिलजुल कर इसमें भाग ले रहे हैं। और कोशिश हमारी होती है कि क्योंकि बेटा और बेटी में थोड़ा समाज में हमारे अभी भी भेदभाव है और उसको दूर करने के लिए जब बेटी का जन्म होता है तो उसमें बढ़ चढ़कर जो है हम भाग लेते हैं। बेटों के जन्म में तो लेते ही लेते हैं पर बेटियों के जन्म में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं ताकि हम जो है भेदभाव नहीं करना चाह रहे हैं और सबको जो है एक समान इसको देखना चाह रहे हैं।